बिहार में बेतिया के नरकटियागंज के अनुमंडल हॉस्पिटल में दर्द से करा रही महिला डॉक्टर की लापरवाही का शिकार हुई है। दरअसल महिला को लीवर पेन हुआ तो भाई अजय कुमार उसे हॉस्पिटल ले आया, जहां नॉर्मल डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने प्रसूता का मल द्वार सिल दिया। इस लापरवाही के बाद यहां डॉक्टर भी मौजूद नहीं है, जिसे पीड़िता के परिजनों में काफी रोष है। इस बड़ी लापरवाही के बाद प्रभारी साहब मामले में पल्ला झाड़ते नजर आए। आज इसकी ड्यूटी कहां है? बंदरन सर में कहां है? छुट्टी पर है। सर तो आप क्यों नहीं है? इतने संगीन मैटर हो जाने के बाद आप कहां थे सर? इमरजेंसी में डॉक्टर साहब कहां थे? नहीं कोई देख नहीं रहा है। पेशेंट वैसे ही तरफ रही है सर। पेशेंट वैसे ही तरफ रही है। प्रभाव में नहीं है। डॉक्टर है उनसे कर रहे हैं, सुनील कुमार उनसे कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम प्रभार में नहीं है, हम छुट्टी में। डॉक्टर साहब लोग हैं ना? हाँ डॉक्टर साहब लोग हैं वो, और प्रभारी साहब के पास हम लोग 6:30 में गए। एक सेकंड उसके बाद हम प्रभारी साहब के पास हम गए हैं, प्रभारी साहब से बोल रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि देखिए हम बेतिया रेफर कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे जो लेडीज डॉक्टर रहती है वो कहाँ है? आज वंदना सिंह का ड्यूटी है, वो कहाँ है? वंदना शर्मा का ड्यूटी है। वहीं तरेया प्रखंड मुख्यालय के रेफरल अस्पताल में ऑक्सीजन न मिल पाने से मरीज की मृत्यु हो गई। तस्वीरों में आपको एक नहीं चार ऑक्सीजन के सिलेंडर दिख रहे हैं, लेकिन ये खाली हैं, जिसके चलते मरीज की मृत्यु हो गई। 55 वर्षीय जंग बहादुर महतो की तबीयत देर शाम अचानक खराब हो गई, जिसके बाद परिजन महतो को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन यहां अस्पताल में व्यवस्थाओं की कमी के चलते मरीज को जान गंवानी पड़ी। रेफरल अस्पताल में हम लोग लाए, रोगी जिंदा था और यहां पर एक ऑक्सीजन चढ़ाया गया, रोगी 1-2 मिनट जिया, उसके बाद उसमें का ऑक्सीजन खत्म हो गया। 4 सिलेंडर का ऑक्सीजन लगाया गया, किसी सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं था, जिसके कारण रोगी का मौत हो गया। मरीज की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मामले की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत पहुंचकर मामले को शांत कराया और जांच में जुट गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेतिया से शकील अहमद, छपरा से धर्मेंद्र रस्तोगी की रिपोर्ट।